अश्वत्थामा को मार कौन सकता है? ये तो ऐसी हुई बात को कोई कहे कि अब सूरज नहीं निकलेगा, अब हर दिन चांद ही चांद निकलेगा, सूरज खो गया। तो सूरज तो कभी नहीं खोएगा, अश्वत्थामा तो कभी नहीं मारा जाएगा, पर ये तो सभी कह रहे हैं अश्वत्थामा मारा गया। बोले नहीं नहीं ऐसा सच नहीं है, कोई प्रामाणिक व्यक्ति बात कहे तो माने। उकसाया गया युधिष्ठर को, आप बोलो। अब वो कहते हैं नरोवा कुंजरा, अश्वत्थामा तो मारा गया हाथी और आदमी, एक सत्यनिष्ठ प्राणी माधव का पांजन ने फूंकना और वो अंतिम स्वर बिखर से गए, कान में पड़े नहीं। वो जो सही बात में प्रतिक्रिया आई वो न पहुंचे कहीं, सही प्रतिक्रिया न पहुंचे, ये झूठ तो बोलेगा नहीं। तो लोग आपकी बात को प्रामाणिक माने, गंभीरता से लें आपको, आपके चरित्र को, क्योंकि आपके पास एक चिंतन है, स्थैर्य है, आपका एक अध्ययन है, आपके पास संस्कार हैं, उत्तम कोटि के विचार हैं, आपके पास साधना का बल है, आप भगवद अनुग्रहित प्राणी हैं। हमारे प्राय साधुओं में जब परिचय दिया जाता है तो गुरु का नाम लिया जाता है कि मैं उनका कृपा पात्र हूं, मैं अपने गुरु का कृपा पात्र हूं, उनका स्नेह पात्र हूं, स्नेह भाजन आप कुछ लोगों के हैं, कुछ के आप कृपा पात्र हैं, कुछ सत्पुरुषों का आप पर अनुग्रह है, एक बड़ी संपदा है। आप में फिर बल रहेगा, स्थैर्य रहेगा, लोग आप पर विश्वास कर सकते हैं। इसलिए ये ध्यान रहे कि आप सत्य से जुड़े रहें, सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य अपरिग्रह अहिंसा, इन गुणों को रोज जगाओ। अस्तेय बड़ा गुण है, दूसरों की चीजें मेरी बन जाएं, वैसी जो उनकी है वो मेरी हो, वैसी क्रॉकरी, वैसे कारपेट, वैसा कालीन, वैसा घर मकान, वैसे परिधान, वैसे वाहन आभूषण, उस प्रकार का ये इस तरह की चीजें, फिर हटात बलात मेरे पास रहे वो। आप एक अपना व्यक्तित्व तो बनाइए, ये बनेगा विवेक से, ये बनेगा स्वाध्याय से, ये नित्य के विचार के साधन से बनेगा। इसलिए भगवान शंकराचार्य ने कहा विचार औषधि, ज्ञान औषधि, चिंतन औषधि। जो भवरोग है इसकी औषधि एकमात्र विचार औषधि है।